बंगाल के सियासी रण में अब शिवसेना की भी एंट्री हो गई है, लेकिन क्या इस बार बीजेपी के खिलाफ शिवसेना टीएमसी और कांग्रेस की दलाल बन हिंदुत्व कार्ड खेलने के लिए मैदान में उतरी है? क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक पर पकड़ बनाने और ममता बनर्जी को नुकसान पहुंचाने बंगाल पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी, बंगाल को तो टीएमसी ने बीजेपी का दलाल बता दिया था, लेकिन अब शिवसेना के बंगाल पहुंचाने में क्या मायने हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। असदुद्दीन ओवैसी के बाद अब शिवसेना ने भी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में उतरने का ऐलान कर दिया है, जिससे पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर खलबली मच गई है। कुछ का मानना है कि हिंदुवादी छवि के कारण शिवसेना बंगाल में बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि राज्य में शिवसेना की मौजूदगी न के बराबर है, इसलिए उसे कोई चिंता नहीं है। कहा जाए तो एक तरफ से शिवसेना कांग्रेस और ममता की दलाल बनकर हिंदू वोट बैंक के लिए मैदान में उतरी है, क्योंकि जब असदुद्दीन ओवैसी बंगाल आए थे तो उन्हें बीजेपी का दलाल और मुस्लिम वोट बैंक काटने के लिए बताया गया था, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक के AIMIM की तरफ जाने से ममता बनर्जी और कांग्रेस को भारी नुकसान होगा, जिससे बौखलाई टीएमसी और कांग्रेस नेताओं ने उन्हें बीजेपी का दलाल बता दिया था। लेकिन वहीं अब शिवसेना को टीएमसी और कांग्रेस का दलाल बताया जाएगा, क्योंकि शिवसेना भी हिंदू वोट बैंक और बीजेपी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश के लिए ही बंगाल चुनाव में उतरी है। लेकिन बीजेपी ने साफ कर दिया है कि पिछले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में शिवसेना को बुरी हार का सामना करना पड़ा था, तो इस बार भी शिवसेना की कमजोरी से बीजेपी को फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी बीजेपी राज्य में मजबूती से उभर रही है, जिससे ममता बनर्जी बुरी तरह डरी हुई है और बीजेपी को मात देने के लिए बाकी दलों का साथ मांग रही है। लेकिन शिवसेना और ओवैसी की एंट्री से चुनाव में वोटों का ध्रुवीकरण होना तय है। जहां एक और असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री बंगाल में बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकती है, तो वहीं शिवसेना के चुनाव में उतरने से बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। वैसे तो इस बार बंगाल चुनाव में बीजेपी और टीएमसी के बीच ही कांटे की टक्कर है, लेकिन दोनों ही पार्टियां नए नए पैतरों से एक दूसरे को मात देने में जुटी हुई है, तो वहीं बीजेपी राज्य में मजबूती से उभर रही है, इसलिए विपक्ष बीजेपी को मात देने के लिए हर संभव कोशिश में जुट गया है। बंगाल में जहां एक और असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं, तो वहीं शिवसेना बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा करने की कोशिश में है। लेकिन बीजेपी ने साफ कर दिया है कि बंगाल में दो बार चुनाव हार चुकी शिवसेना से बीजेपी को फर्क नहीं पड़ेगा, तो वहीं इस बार चुनाव में हिंदुत्व वोट बैंक के लिए कांग्रेस और ममता बनर्जी शिवसेना का फायदा उठाने की कोशिश में रहेंगी। कैपिटल टीवी के साथ बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सुझाव में कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।